हेलो अकाउंटिंग ईयर। हाँ यस यस प्लीज स्पीक। सर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 31st मार्च। ओके करेक्ट। दिस इज अकाउंटिंग ईयर, नॉट अकाउंटिंग बट इट इज अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, 1 अप्रैल टू 31st मार्च मीन्स फाइनेंशियल ईयर। एक्चुअली क्या होता है कि अकाउंटिंग ईयर में जरूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियल ईयर को मेंशन करें। कभी कभी आपने देखा होगा कैलेंडर ईयर, मतलब हमारे पास जो ईयर होते हैं, थ्री टाइप ऑफ ईयर होते हैं। फर्स्ट है कि आपके पास फाइनेंशियल ईयर, जो इनकम टैक्स और इस तरह से अडॉप्ट किया गया है, गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया है। बीच में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इस तरह का डिस्कशन हो रहा था कि फाइनेंशियल ईयर को खत्म करके एक नया ईयर मेंशन करने की बात हो रही थी, जिसको 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं करके वो कुछ और नया करना चाह रहे थे। फिर उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए और वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट होने लग गई, तो उन्होंने फिर उसको छोड़ा क्योंकि 3 मंथ्स का गैप हो जाएगा। दूसरी चीज होती है हमारे पास कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मीन्स 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ओके, तो कहीं कहीं पर पे ये जो आप देख रहे हो ना, फॉर द अकाउंटिंग ईयर मीन्स, इसका मतलब है कि कोई हम एक 12 मंथ्स की एक टाइमिंग लेते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। आपने देखा होगा बहुत सारे जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, किसी फेस्टिवल से स्टार्ट करते हैं, दिवाली से, दिवाली या फिर मुहर्रम से लेकर के नेक्स्ट मुहर्रम तक एक दिन पहले क्लोज कर देंगे। तो ये होता है आपके पास अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर एक्यूरेट बेसिस इन द केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहां पर पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बेस पे आपको स्टार्ट करना है इनकम एक्सपेंडिचर। बेसिक इनकम फॉर्मूला ये होता है कि कितनी इनकम हुई और कितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ। ओके, तो आप देखिए कि आप नोट करके रख लीजिए इसे कि कभी भी जो ईयर होंगे वो थ्री टाइप ऑफ ईयर में ही कन्वर्ट होंगे। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, कैलेंडर ईयर क्या होगा, तो आप इस तरह से नोट करके रखें। अब जैसे देखते हैं कि हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गैर व्यापारिक संस्थाएं, ठीक है, ये कोई व्यापार नहीं चलाते, या इनका उद्देश्य या जो एम होता है वो लाभ कमाना नहीं होता। ठीक है, लाभ कमाना नहीं होता तो फिर क्या होगा, मतलब बेसिकली वर्क तो इनका भी वही है, बिजनेस वाला ही वर्क है। देखो इसमें एक शायर ने लिखा भी है, भले ही कोई ना बनवा सके ताज, लेकिन मुमताज तो हर दिल में बसा करती। मतलब ये लाइन लिखी और उसको उसने इसलिए जोड़ा क्योंकि हर कोई चाहता है बिजनेस करे, अब बिजनेस तो हो नहीं रहा, तो उन्होंने क्या कर दिया कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम प्रॉफिट नहीं लेंगे लेकिन करेंगे वही बिजनेस। तो अब इस तरह के बिजनेस में भी, मतलब वही बात हुई ना, आप शायर की मतलब लाइन को समझ पा रहे हो, ये पीके जैन की बुक में एक जगह कोट किया गया है, बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है कि किस तरह से हर व्यक्ति चाहता है कि हम बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन जब वो देखता है कि हम प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हैं तो वो अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर किसमें कर लेता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इन ईयर जितना भी उसके पास सरप्लस होगा या बचत होगी उसको चेक करेगा, और या फिर उसके पास डेफिसिट होगा, घाटा होगा, तो वो दो चीजों को चेक करके बताता है कि हमारा बिजनेस, हमारा जो प्रॉफिट में जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन या लॉस में जा रहा है। फिर क्या होता है, इनकी फाइनेंशियल पोजिशन भी देखी जाती है, जिस जहां की हम बैलेंस शीट मेक करेंगे। तो ओवरऑल देखते हैं हम लोग कि हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर में इस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। फिर देखते हैं, इंक्लूड ओनली रिवेन्यू आइटम्स एंड बैलेंस एट द रिप्रेजेंट सरप्लस ऑफ डेफिसिट। ठीक है ना, हमारे पास कितनी अर्निंग हो रही है और कितना लॉस हो रहा है, इसको हम यहां पर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व द सेम पर्पस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कहीं कहीं पर पे हम लोग क्या करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर मेक करते हैं, कहीं पर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेक करते हैं। All the revenue items relating to the current period show in the account, the expenses and losses in the expenditure side and income and gain of the income sides of the account. थोड़ा सा different होगा यहाँ पर भी, debit credit में confuse मत हो जाना। अब देखिए, ये आपके पास एक format है जिसको कि आप format बनाए या कभी भी exam में लिखिए, मैंने कल भी आपको बताया था, ये एक format है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 या 31 दिसंबर 2020 21, कुछ भी, व्हाटएवर,
यहाँ पे वो मैटर नहीं करता, लेकिन इंपॉर्टेंट मैटर क्या है, आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मेंशन करना है। क्लियर? क्लियर ना? ओके तो यहां पर पे आपको 20% मार्क्स मिल सकते हैं जितने भी नंबर का अगर क्वेश्चन होगा। अब यहां पर पे आप इनकम एक्सपेंडिचर इनकम का एक प्रोफार्मा नोट कर लीजिए, इतने बेसिक हमारे पास कुछ आते हैं, फिर इसके अलावा कुछ और भी अगर आइटम्स होंगे उनको भी हम मेंशन करेंगे, लेकिन बेसिक बेसिक आप लिख लीजिए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, लाइटिंग एक्सपेंसेस है, रेट्स एंड टैक्सेस, ये एक्सपेंसेस है हमारे पास, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस, वेजेस एंड सैलरीज, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा भी होगा लास्ट टाइम, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, मतलब कोई भी एक अगर एसेट से आपके पास उसकी लाइफ में डे बाय डे अगर फिक्स रूप से उसकी वैल्यू डाउनफॉल हो रहा है, मींस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ओके, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एक्चुअली मशीनरी हमारे पास 1 लाख रुपए की है, लेकिन एवरी ईयर उसमें 20,000 का डिडक्शन हम लेते जाएंगे, तो हम बनाते हैं यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन, एक फंड बनाते हैं, डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से, उसमें हम उतना पैसा डिपॉजिट करते जाते हैं और एक टाइम के बाद हम डेप्रिसिएशन फंड को यूज करते हैं कोई नई मशीनरी परचेज करने के लिए या उस मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है फिर रिपेयर, नेक्स्ट स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड। अब स्पोर्ट्स मटेरियल यूज अगर किसी क्लब से रिलेटेड हम बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वहां पर स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हो रहा होगा। फिर ऑडिट फी भी आएगी। अब यहां पर पे सरप्लस आता है, इसके लिए अब आप रुक जाइए, यहां पे आइए इनकम में। इनकम कहां कहां से हो रही, आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन मींस चंदे, एंट्रेंस फी मिल रही है, एडमिशन फी मिल रही है, किसी भी क्लब के अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो एंट्रेंस फी होगी, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फिर उनके कुछ अलग अलग इवेंट में, किसी गेम में अगर हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वहां पर एडमिशन फी भी होगी। फिर हमको नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके ऊपर हमको यहाँ पे मिलेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर लॉकर रेंट, जनरल डोनेशन, लीगल भी हो सकता है, आपने एक पर्टिकुलर बना दिया कि इतना डोनेशन पे करना ही पड़ेगा, लीगली आप उसको यहाँ पर पे करेंगे। फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मतलब रद्दी वगैरह जो हम बेच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर कोई लाइब्रेरी है इस तरह की चीजें होंगी तो वहां पर पे क्या होगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। रेंट रिसीव्ड, नेक्स्ट गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जितनी भी आपने अगर फिक्स एसेट्स को सेल कर रहे हैं अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर पे आ जाएगा, सेल ऑन फिक्स एसेट्स का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे लॉस भी लिखना था एक जगह, रह गया, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं एक्सपेंडिचर पे कि अगर लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो यहाँ पे नोट कर देंगे। सन्ड्री रिसीप्ट, बहुत छोटे छोटे अमाउंट अगर आपको रिसीव हो रहे हैं तो सन्ड्री रिसीप्ट भी हम बोल सकते हैं, जिसके बारे में आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं किस चीज का पैसा है, तो वो सन्ड्री रिसीप्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए डेफिसिट अमाउंट लिखा हुआ है, दिस इज सरप्लस लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर में सरप्लस लिखा हुआ, सरप्लस मीन्स सपोज इधर का अगर आपने टोटल किया ये 100 रुपीज होता है, ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहां तक का टोटल जो है ये आपके पास होता है 80 रुपीज, तो इधर का बैलेंस आप करोगे, बोथ साइड बैलेंस होगा आपके पास 100 रुपीज का, और ये जो सरप्लस अमाउंट आएगा ये आपके हो जाएगा 20 रुपीज, मतलब कि इस दिस ईयर आपको पास प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपीज का हुआ। क्लियर? कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास यहां पर पे अमाउंट हो सकता है कि कुछ शॉर्ट पड़ जाए, यहां का अमाउंट हो सकता है कि 100 रुपीज हो रहा है, ठीक है, वो साइड टोटल हम 100 रुपीज कर देंगे, लेकिन यहां पे आपके पास जो इनकम हो रही है वो 80 रुपीज की ही हो रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास डेफिसिट मतलब कि लॉस हो गया 20 रुपीज का यहाँ पे आपने। क्लियर है? ठीक,
अब यहाँ पर पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देख रहे हो। यहाँ पर पे इनकम हो रही, जस्ट इसके पहले हमने क्या देखा था, लास्ट कल की क्लास में हमने देखा था यहाँ पर पे रिसीप्स एंड पेमेंट, रिसीप्ट हो रही थी, पेमेंट्स था। अब यहाँ पर पे हमने आज क्या कर दिया, बोलते हम है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन जब मेक करोगे तो आप डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में इनकम लिखेंगे, तो कंफ्यूज मत हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास पार्ट आता है बैलेंस। बैलेंस शीट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास एक बैलेंस शीट का ऑप्शन आएगा कि आप बैलेंस शीट किस तरह से बनाते हैं, ये है बैलेंस शीट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशंस होगा, अगर वो प्रॉफिट ले रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या फिर अर्न नहीं कर रहे हैं, बिजनेस है, बिजनेस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, सोल ट्रेडर है, तो टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, अभी एक 1% कंपनी का भी मैटर निकल के आया है, 2014 कंपनी एक्ट 2014 आया, उसमें है 1% कंपनी। 1% कंपनी में स्पेशली बताया गया है कि एक व्यक्ति की भी कंपनी हो सकती है। ओके, जब एक व्यक्ति की भी कंपनी होगी वहां पे भी प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा, जब वो प्रॉफिट अर्न करेगा तो ऑटोमेटिक वहां पर पे प्रॉफिट अर्न करने पे आपको मेंशन करना पड़ेगा बैलेंस शीट, क्लियर? नहीं तो किसी को बारे में कैसे पता चलेगा कि उसका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है या लॉस में। फॉर एग्जाम्पल कि आप में से ज्यादा लोग या हम लोग क्या करते हैं, अपनी कुंडली बनवाते हैं, बनवाते ना, वो उसी तरह की कुंडली क्या होती है, बैलेंस शीट जो है एक तरह की कुंडली है, मतलब कि आपका हॉरोस्कोप जो भी बता रहा है वो बैलेंस शीट बताएगा कि आप कैसे हो या आपकी कंपनी किस तरह की है, उसमें कितना पैसा है, कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है और आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। इसलिए लोग शेयर मार्केट में जब भी पहुंचते हैं तो उस कंपनी की प्रोफाइल चेक करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं, तब वो अपना पैसा लगाते हैं। प्रिपेयर ऑफ देयर बैलेंस शीट इज ऑन सेम पैटर्न एज दैट ऑफ द बिजनेस एंटायर। ठीक है, बिजनेस एंटिटीज जितनी भी होंगी, जिस तरह की भी बिजनेस होगा, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको क्या करना होगा, इसी तरह का सेम बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट आपको पता है एसेट्स एंड राइट साइड में आप एसेट्स शो करते हो और लेफ्ट साइड में आप लाइबिलिटीज शो करते हो, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो यहां पर पे आप देख रहे हो कैपिटल फंड, जनरल जनरल फंड, ये इस तरह से आप नोट कर लें चाहे तो कुछ चीजें, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास कोई फंड है जिसको कि हम डेवलप करना चाहते हैं, हम अगर हम मान लीजिए कि हो सकता है कि किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बिल्डिंग परचेज कर रखी है या कोई एसेट्स परचेज कर रखी है, बुक्स खरीद के रखी हुई है, लाइब्रेरी है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है, वो सब किस में आएंगे, एज ए एसेट्स आएंगे। और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उससे रिलेटेड अभी आप देखोगे कि वो बैलेंस शीट में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रोफार्मा और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का प्रोफार्मा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास बैलेंस शीट का प्रोफार्मा होना चाहिए, इसमें भी लिखेंगे आप बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन या एज एट, ठीक है, पर्टिकुलर किसी डे के बारे में बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप हो सकता है 31 मार्च के लिए बना रहे हो, 31 मार्च 2021 के लिए हो सकता है या 2020 के लिए हो सकता है, ठीक है ना, तो ये आप 31 मार्च 2021 पर्टिकुलर एक डे के लिए बनाई जाती है, ये हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर पे देखिए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, आपने हालांकि अभी तक बैलेंस शीट के बारे में कई बार पढ़ा होगा, सेम है बैलेंस शीट, कोई चेंज नहीं है इसमें। स्टार्टिंग कहां से करेंगे, कैश इन हैंड या कैश जितना भी आपके पास, एंड कैश एट बैंक, दो पॉइंट आ गए आपके पास। नेक्स्ट है आउट, अगर आप चाहें तो कैश इन हैंड को यहाँ पे इनर में शो कर दीजिए और कैश एट बैंक को भी इनर में शो कर दीजिए, इसका टोटल यहां पर पे आ जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है, आउटस्टैंडिंग जो मिलने वाली थी अभी तक मिली नहीं है, आउटस्टैंडिंग इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो अभी हमको मिले नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स,
इसमें कौन कौन से आइटम्स आएंगे? प्रीवियस बैलेंस, जो स्टॉक हमारा रखा हुआ है पुराना, अगर स्टॉक रखा हुआ है मीन्स प्रीवियस बैलेंस, इसमें हम ऐड कर देंगे जितना भी नया परचेज किया हुआ है उस को हम परचेज को ऐड कर देंगे, परचेज इन द करेंट पीरियड, माइनस कर देंगे वैल्यू कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड। यहां तक क्लियर? प्रीवियस बैलेंस इफ एनी, अगर कुछ बचा हुआ है, दूसरे तरह का भी अपन बैलेंस देख सकते हैं, परचेज इन द करेंट ईयर, माइनस कर देंगे बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स, क्योंकि जैसे अपन ने देखा फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक मशीनरी है, उसमें से हम कई बार डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो यहां पर पे इसलिए करेंट वैल्यू बुक इसको अपन यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ये अमाउंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस जैसे एसेट्स है, अगर उसका क्लोजिंग बैलेंस है, या फिर आपने कोई मशीनरी परचेज कर रखी है तो मशीनरी की कॉस्ट होगी, बिल्डिंग की कॉस्ट होगी, जितने भी आपके पास इक्विपमेंट है उन सभी की कॉस्ट होती जाएगी। ओके, अब आइए आप लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल फंड, कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस, इसमें हम ऐड करेंगे सरप्लस, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप प्लस कर देंगे, इन केस अगर डेफिसिट है, माइनस में अमाउंट आ रहा है, तो आप ये माइनस कर देंगे। देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दो आपके पास तरह से आप यूज करोगे, यहां पर भी इनको ऐड करने के बाद अगर करेंट ईयर की करेंट ईयर ऑफ अकाउंट्स है, अगर आपके पास एंट्रेंस फी है, लाइफ मेंबरशिप है, जिस मतलब आप इसको देखिए इस तरह से डिजाइन किया है। सपोज कि अगर कोई अमाउंट कैपिटल फंड है, लॉन्ग पीरियड के लिए यूज किया जा रहा है, मींस वो कैपिटल फंड हो जाएगा, उसको हम यहां पर पे कैपिटल के साथ में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल लाइफ मेंबरशिप फी, मींस ये लाइफ मेंबरशिप है, एटलीस्ट लाइफ मेंबरशिप 15 इयर्स की मानी जाती है, मतलब उतने दिन के लिए अगर पैसा दिया गया है तो ये कैपिटल फंड बन जाएगा। एंट्रेंस फी, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और आपने पैसा पे किया है तो वो भी लाइफ टाइम यूज होगा, क्योंकि आप एवरी टाइम फिर एंट्रेंस नहीं एंट्रेंस फी पे नहीं करेंगे, तो यहां पर पे एंट्रेंस फी होती है। लेजिसलेशंस में अगर आपने एक बार अमाउंट फिक्स कर दिया कि आपको इतना पैसा देना ही होगा हमारे क्लब की मेंबरशिप लेने के लिए, तो वो भी अमाउंट क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रेवेन्यू टाइप इनकम होती तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखते। टू टाइप ऑफ इनकम होती है एक, और सेम आपके पास टू टाइप ऑफ एक्सपेंसिस भी होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसिस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। सेम चीज है आपके पास, कैपिटल इनकम एंड रेवेन्यू इनकम, दो तरह की टू टाइप ऑफ इनकम होगी। जो वन ईयर के लिए खत्म होने वाली है उसको हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे, लेकिन अगर कैपिटल बेस्ड इनकम है उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस, अगर किसी चीज का बैलेंस बैलेंस आपके पास क्लोजिंग है, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। स्पेशल फंड डोनेशंस, अगर कोई प्रीवियस बैलेंस है वो आप यहाँ पे नोट करेंगे, स्पेशल फंड है, डोनेशन है, स्पेशल फंड फॉर एग्जांपल कि कोविड से रिलेटेड कोई आपने फंड बना दिया, या कोई कुछ ऐसा फंड बना दिया पर्टिकुलर कोई एक गेम स्टार्ट करने के लिए, या पर्टिकुलर कोई एक वर्क स्टार्ट करने के लिए, या पर्टिकुलर एक आपको लग रहा है कि कोई एक इवेंट हमको ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए आप अगर कभी डोनेशन लेते हैं तो इट्स मीन्स स्पेशल फंड कहलाएगा। इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, रिसीव फॉर द आइटम पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड, उस पर्टिकुलर समय में और कितना पैसा मिल गया, ये पुराना फंड है आज की डेट में दिस ईयर में कितना मिला उसको हम ऐड कर लेंगे। इनकम अर्न ऑन फंड डोनेशन, अगर इसका हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके ऊपर कोई आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद आप इसमें से माइनस कर दिए एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ फंड या डोनेशन, जितना भी हमने यहाँ पर पे किया हुआ है, आपके पास डोनेशन हो सकती है, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसको आप माइनस कर दोगे, ये माइनस का फिगर है, अमाउंट बाहर आ जाएगा। फिर दैट इज नेट बैलेंस। नेक्स्ट फिर हम देख रहे हैं अगला पॉइंट है क्रेडिटर्स एंड परचेसेस एंड सप्लायर्स, जितने भी आपको एक वर्ड लिख दीजिए, क्रेडिटर्स भी लिखेंगे तो भी चलेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा आपके पास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा, इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है, ये आपके पास एक इनकम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनकम रिसीव इन एडवांस। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब यहाँ पे आपके पास फंड बेस्ड अकाउंटिंग है,
refer to the accounting wherever received an income related to the particular fund, like building fund, sports fund, prize fund, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे फंड होंगे जो फंड बेस्ड अपन अकाउंटिंग की बात करते हैं, क्रेडिटेड टू द पर्टिकुलर फंड एंड पेमेंट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सपेंसेस और स्पोर्ट्स प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेट्रा, ठीक है, इसको किस तरह से यूज किया जाएगा, ट्रीट कैसे करते हैं, ये एक अलग से मैंने आपको बना करके रखा हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक आइटम, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम इनको यूज कर पाएंगे, तो वो किस तरह से होते हैं। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ, जब भी हम फंड की बात करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ फंड, यहां पर भी आप चाहे तो एक छोटा सा ऐसा कॉलम बना लीजिए, सीरियल नंबर, आइटम, ट्रीटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप जैसे देख रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एज ए इनकम, ठीक, बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग एज ऑन एसेट्स एंड एडवांस रिसीव्ड इन, रिसीव्ड एज ए लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट कंज्यूमेबल आइटम लाइक स्टेशनरी, मेडिकल, मेडिसिन, बुक्स, स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सेट्रा एज एन एक्सपेंडिचर, ये एक तरह का खर्च है, जिसको कहां शो करोगे, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम एज एन एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एज एन एसेट्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एज ए लाइबिलिटी, क्लियर। फिर डोनेशन की बात हो जाएगी, जनरल डोनेशन विल शोन एज एन इनकम, स्पेसिफिक डोनेशन एज ए लाइबिलिटी, कोई स्पेसिफिक आपने डोनेशन किया होगा उसको हम लाइबिलिटी में शो करेंगे। नेक्स्ट है एंट्रेंस एडमिशन फी, ठीक है, एज एन इनकम है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, एज एन इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, जनरल, गवर्नमेंट ग्रांट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, ये सभी चीजें किसमें, लॉकर रेंट वगैरह, ये किसमें आ रहा आपके पास, ये पूरा का पूरा अमाउंट किसमें आ जाएगा, एज ए इनकम, क्लियर। फिर लाइफ मेंबरशिप फी, दिस इज इनकम, एज ए लाइबिलिटी पोर्शन में आप शो करोगे। लेगेसी, ये भी आप एज ए लाइबिलिटी शो करेंगे। फंडामेंटल फंड एज ए लाइबिलिटी। फॉरनेरियम, जो आपको कई बार किसी, हम लेक्चर्स को स्पेशल गेस्ट होते हैं, स्पेशल लेक्चर्स होते हैं, उनको बुलाते हैं, एज एन एक्सपेंसेस हो जाएगा। अपकीप ऑफ लॉन, मेंटेनेंस, ग्राउंड, नॉर्मल रिपेयर्स चार्जेस, छोटे छोटे जितने भी तरह के चार्जेस होते हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस हैं, शो है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सबको परचेज कर रहे हैं, रेंट है, इंश्योरेंस है, एज एन एक्सपेंसेस कहलाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है सेल्स परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बुक्स, इन्वेस्टमेंट, ये क्या कहलाएगा आपके पास, प्रॉफिट ऑन सेल एज एन इनकम एंड लॉस डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंडिचर, ये आपके पास इस तरह से प्रॉफिट हो जाएगा। परचेज इन एसेट्स एडेड द बुक ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स सोल्ड डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेवेंट एसेट्स, ओके। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेशल फंड्स, स्पेशल फंड्स की बात हो रही है, स्पोर्ट्स फंड्स, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, जितने तरह के, कई बार आपको कुछ एक स्पेशल टाइप के आप फंड बनाते हो। If fund is less than the expenditure related to it, then difference will be as an expenses. ठीक है, ये expenses related होगा, it is the liability portion में आएगा। Same चीज specific fund के बारे में फिर से बात कर रहे हैं अपन, क्या investment होगा, like sports fund investment, prize investment, prize fund investment है, tournament fund है, ये सब as a assets कहलाएंगे जो balance sheet में आप show करेंगे। फिर हम बात करते हैं यहां पर पे इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड के बारे में, ऐड इन रिलेवेंट फंड में आप वहां पे ले जाके जोड़ देंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इज इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है, जनरेट हो गया है बट, तो उसको भी कहां करोगे आप, ऐड इन रिलेवेंट फंड में, आल्सो एज एन इन्वेस्ट एसेट्स में इसको इन्वेस्ट कर देंगे।
नेक्स्ट जनरल फंड के बारे में जब भी बात होगी, जनरल फंड अगर आपके पास है, जनरल फंड जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट एज एन इनकम हो जाएगी, जनरल फंड एज ए लाइबिलिटी एंड जनरल फंड इन्वेस्टमेंट एज एन एसेट्स, ये डिफरेंट है, थोड़ा सा आप इसको जरूर नोट करिएगा। फिर ग्रांट के बारे में बात करते हैं, ग्रांट अगर कभी बात हो रही, जनरल ग्रांट एज एन इनकम कहलाएगी आपको, और यहां पर पे स्पेसिफिक ग्रांट एज ए लाइबिलिटी कहलाएगी। इट इज क्लियर। तो ओवरऑल अभी आपने यहां पर पे आज दो तीन पॉइंट्स अपन ने देख लिए, कौन कौन से हमारे पास, एक तो आया सबसे पहले हमारी क्लास हुई थी अपन ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा था, क्या अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स इसमें क्या क्या बनाए जाते हैं, रिसीव पेमेंट बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं, नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाते हैं, ओके। अपन ने फॉर्मेट भी देख लिया था यहाँ पे रिसीव एंड पेमेंट का, क्लियर, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिर अपन ने देखा कि हमारे पास एक ये फंड हो सकता है इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अपन ने देखा, उसका फॉर्मेट देख लिया कि फॉर्मेट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर कैसे होगा। फिर अपन बात कर रहे थे बैलेंस शीट के बारे में, तो बैलेंस शीट, ये आपके पास बैलेंस शीट आप देख रहे हो, बैलेंस शीट ऑफ एज एसेट या एज ऑन, एट या ऑन कुछ भी लिख सकते हैं, एज एट 31 मार्च 2021 या 31 दिसंबर 2020, आप देख रहे हो यहाँ पे अपने एसेट्स शो किया हुआ है, लाइबिलिटी शो किया हुआ है, और बोथ साइड आपके पास बैलेंस इक्वल होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ये आपके पास इक्वल होते हैं दोनों, एसेट्स एंड लाइबिलिटी इक्वल होते हैं। अब हम देख रहे हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में देखा, ट्रीटमेंट आप देख रहे हो कि किस तरह से ट्रीटमेंट होता है स्पेसिफिक आइटम्स का, कुछ एक आइटम्स दिए गए हैं, इसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं वो आपने देख लिया यहाँ पर भी, तो उसके बारे में अपन ने पूरी यहाँ एक आपको पिक्चर दी, क्लियर है। अब आप अनम्यूट करके किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिए, साथ में आप चेक बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं।